सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड, आओ घर सजाए में स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक शीखा बनाना सिखाऊंगी। शीखा बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले शीखा बनाने के लिए मुझे, मैंने इस तरह से जो प्लास्टिक वाला वायर होता है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। आज मैं उसी से आपको शीखा बनाना सिखाऊंगी। इस तरह की मैंने पत्तियाँ मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। बड़ा वाला मोती, छोटा वाला मोती, कोई सा भी कलर आप यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक वाला मोती है, एक रिंग, हमें इतने सामान की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड, यहाँ मैंने 6 मीटर का वायर काटा हुआ है। इस तरह से मैंने 24 पीसेस काटे हुए हैं। देखिए, इस तरह से मैंने 6 मीटर के 24 पीसेस काटे हुए हैं। देखिए मैं किस तरह से इसको रिंग में डालूंगी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरा वायर को दोहर कर लिया है। आगे वाला हिस्सा मैंने ये लिया, रिंग लिया इस तरह से, और ये दोनों भाग इसमें डाल देंगे इसको, ऐसे खींच लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सारे वायर को इसमें डालना है, दोहर करेंगे हम। जॉइंट वाला हिस्सा है इस तरह से इसमें डालेंगे, नीचे वाले हिस्से इस तरह से इसमें डालेंगे, इसके सारे वायर को हम रिंग में प्रो लेंगे। देखिए फ्रेंड, प्रोने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे इसके 3 हिस्से कर लिए हैं। मेरे पास 24 वायर थे, मैंने इसको 3 हिस्से में बांट रखा है। मेरे पास 3 हिस्से में 8-8 हिस्से में बांट चुका है तीनों जगह। देखिए, अब हम इसके नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के पहले हिस्सा तो हम इस तरह से दबा लेंगे, दोनों हिस्सों को इस तरह से पकड़ लेंगे, और सारे वायरों को एक साथ इकट्ठा लेने के देखिए फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे नोट लगाऊंगी। देखिए, अभी मैंने इस तरह से नोट लगाई, अब हम इधर को लगाएंगे, दोनों से इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से इधर की साइड हम खींचेंगे, इस तरह से मैं दूसरी नॉट लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरे एक नॉट लग चुका है, अब यहाँ पे हम दूसरी नॉट को डालेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे 5 नॉट लगानी है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 5 नॉट बांध ली हैं, और मैंने यहाँ पे इसको टच कर दिया है फुल। उसके बाद मैंने यहाँ पे 8 वायर निकाली हुई हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने यहाँ पे 8 वायर निकाली हुई हैं। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे इस तरह से ये नोट लगाई थी, यहाँ पे हमें इसी तरह से नोट लगानी है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये 4 वायर हम नीचे दबाएंगे, ये 2 से हम नोट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें नॉट बांधनी है। जिस तरह से हमने ऊपर लगाई थी, इस तरह से हमें
थोड़ा टाइट हाथ से। यहाँ पे 24 नोट लगा लिए हैं। 24 नोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे मैंने ये जो फ्लावर वाली पहले एक मोती डाला है, फिर एक फ्लावर वाली पत्ती डाली हुई है इस साइड में, जिससे हमने नोट लगाई थी उस साइड में मैंने एक इधर मोती डाला हुआ है, और भी फिर हमने ये चारों पूरे हिस्सा पकड़ के इसमें एक बड़ा मोती डाला हुआ है इस तरह से। और फिर से हम नीचे भी ऐसा ही करेंगे, जिस तरह से मैंने ऊपर किया हो उस तरह से नीचे भी करेंगे। इस तरह से पहले मैंने ये दोनों तरफ की नोट लगाई थी, अब मुझे एक तरफ की नोट लगानी है। इस तरह से हम दूसरा हिस्सा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक तरफ इसी तरह से लगाते हुए जाएंगे इस तरह से। इसे हमारे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। यहाँ पे भी हमको 24 नोट लगानी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये वाली नोट लगाई हुई है जो हमारी इस तरह से घूमती हुई जाएगी। इसको हमें एक ही हाथ से लेना है, दोनों तरफ से नहीं लेना है। जैसे मैंने इधर की साइड स्टार्ट किया है तो मेरा इधर ही की साइड पूरा हमारा नोट इधर ही की साइड चलता रहेगा। देखिए इस तरह से, और ये अपने आप इस तरह से घूमता हुआ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे मोती डाली थी, इसी तरह हम यहाँ पे भी मोती डालेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे नोट लगाई है। यहाँ पे मैंने पहले एक मोती डाला हुआ है, फिर मैंने ये पत्तियाँ डाली हुई हैं, फिर एक और मोती डाला है, फिर मैंने ये बड़ा वाला मोती डाला है, फिर उसके बाद में ये नोट लगाई है। इस तरह से मेरे यहाँ से नोट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से दो भाग करूँगी इसके। 8 मेरे पास पायर थे, 4 मैंने इधर किए हैं, 4 मैंने इधर किए हैं। इस तरह से बीच का हिस्सा है उसमें मैं मोती डालूंगी। एक बार मैंने इधर छोड़ा, एक बार इधर छोड़ा, बीच में हम मोती डालेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से बीच में मैंने मोती डाला हुआ है। अब हम इस हिस्से को, हमें इसको नहीं, बस इस चार वायर में से हमको इसको नॉट लगानी है इस तरह से, सिंगल धागे से इस तरह से। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दो दो भाग कर लिए हैं इसके। दो भाग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से जॉइंट करेंगे इस तरह से। एक हिस्सा ये लेंगे, एक हिस्सा ये लेंगे, इस तरह से हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। देख रहे हैं एक इधर का हिस्सा, एक इधर से, ये मैंने दो डंड लिए हुई हैं, उसमें एक इधर का हिस्सा और एक इधर से, दोनों का लेके ये बीच वाला हिस्सा है जो हमारा, मैं यहाँ पे पत्ती डालूंगी। देखिए मैंने पत्ती डाल ली है, वो हम इसमें एक नोट लगाएंगे इस तरह से। मैं यहाँ पत्ती डाली हुई है, अब इसमें हम नोट लगाएंगे। एक धागा इधर से लेंगे, एक इधर से, इसमें इस तरह से मैं नोट लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे एक हाथ वाली वायर नोट लगाऊंगी। इसको घूमने इस तरह से लगाना है, मुड़ने वाली। मेरा सीखा बन के तैयार हो चुका है। देख फ्रेंड मैंने इसमें एक कंडी लगा दी है इस तरह से,
आप इसमें कोई फ्रूट या हरी सब्जी रख के आप हवा में इसको रख सकते हैं। देखिए कहीं पे भी आप इसको टांग सकते हैं, बनाने में भी एकदम ईजी है और देखने में भी कितना सुंदर है।